हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी का आलम ये हो चला है कि नेता विपक्ष को छोड़कर अपनी ही पार्टी के नेताओं पर वार पलटवार करने में व्यस्त है। कोई चुनावों में अपनी दावेदारी को मजबूत करने में लगा हुआ है तो कोई उस दावेदारी पर ही सवाल खड़े कर रहा है। इतना ही नहीं, अब तो हरियाणा में प्रचार और प्रसार को लेकर भी नेताओं के बीच खींचतान शुरू हो गई है। बीते रोज किरण चौधरी ने तो यहां तक कह दिया कि हमारे क्षेत्र में कांग्रेस संगठन मजबूत है, उन्हें पूरे हरियाणा से इतना मतलब नहीं है क्योंकि भिवानी, दादरी और महेंद्रगढ़ जिलों में वो और श्रुति कांग्रेस को मजबूत बनाने में सक्षम है, उन्हें दूसरे नेताओं की इस क्षेत्र में जरूरत भी नहीं है। किरण चौधरी के इस बयान पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने ऐसा जवाब दिया कि किरण चौधरी शायद इसे पचा नहीं पाएंगी। चलिए आपको पहले किरण चौधरी का बयान सुनाते हैं, फिर उसके जवाब में चौधरी उदय भान का पलटवार। पहले भी MP रही हुई है और आने वाले समय के अंदर भी उन्होंने पार्लियामेंट लड़ना है, तो ये सभी कार्यकर्ता सम्मेलन हम हर कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर कर रहे हैं और आप जानते हो हमारे बहुत तगड़े कार्यकर्ता हैं, पुराने कार्यकर्ता हैं, चौधरी बंसीलाल जी के कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, नए लोग बहुत सारे जुड़ रहे हैं, उनका उनके लिए ये सम्मेलन करा गया है ताकि कार्यकर्ताओं के साथ अब बैठक होगी, उनके साथ बातचीत होगी कि क्या समस्याएं हैं, किस तरह से आगे बढ़ना है। बूथ कमेटीज हमने बना ली है कई जगह पर बूथ कमेटीज रह गई हैं, तो वो सारा का सारा कार्यक्रम उस सिलसिले के अंदर जो है ये मैं और श्रुति पूरे पार्लियामेंट के अंदर जाकर ये काम कर रहे हैं। संगठन की बात है, हमारा संगठन तो आपने देखा, ऐसा संगठन तो जो है हमारा भिवानी महेंद्र का जो हमारे जो 3 जिले हैं, ऐसा संगठन तो मेरे ख्याल में पूरे हरियाणा में कहीं नहीं होगा जो हमारा इतना मजबूत संगठन है और ये संगठन आगे लेकर जाता है। अब कहीं और कुछ होते हो तो मुझे पता नहीं, यहाँ पे भिवानी महेंद्रगढ़ क्षेत्र जो ये 3 जिले हैं, यहाँ तो भाई किसी और का जो है काम है नहीं, यहाँ तो हमारा है और इसको जो है कांग्रेस पार्टी को हमने मजबूत करना है, राहुल गांधी को मजबूत करना है। ठीक है, उन्होंने घोषणा की होगी लेकिन आपको पता है कि क्या तरीका है टिकट मिलने का? पार्लियामेंट जो बोर्ड है हमारा, जो हमारा CWC है, कांग्रेस वर्किंग कमेटी का जो सेंट्रल हमारा इलेक्शन कमेटी है, पहले प्रदेश से पैनल जाएगा, प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से यहाँ से पैनल जाएगा, फिर सेंट्रल इलेक्शन कमेटी में जाएगा, वहाँ पर जाकर के मोहर लगेगी। तो जिसका भी होगा फैसला, वो कोई भी कैंडिडेट हो सकते हैं, अभी अगर वो कैंडिडेट वो है तो इसमें किसी को क्या आपत्ति है वो अपने बोलो। अल्टीमेटली तो जब समय आएगा वो बताएगा, जो हमारा कैंडिडेट होगा उसके लिए सबके लिए वोट मांग रहे, कांग्रेस पार्टी के लिए वोट मांग रहे, हम किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, कांग्रेस पार्टी के लिए। हम कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, जिसमें कांग्रेस पार्टी की टिकट होगी चाहे वो कोई भी हो, XYZ, उसी की पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी उसके साथ है और उसकी मदद करेगी। सारा हरियाणा सबके लिए खुला हुआ है। जब आप 3 जनों की जो बात कर रहे हैं, उससे पहले तो प्रदेश की बात किया करती थी, अब 3 जनों पर ही क्यों सीमित हो गई? सारा प्रदेश ही उनका है, सारा प्रदेश की बात करनी चाहिए। चौधरी उदय भान ने आज किरण चौधरी को जमकर आड़े हाथों लिया है और यहां तक कह दिया है कि पूरे हरियाणा की बात करने वाली किरण चौधरी 3 जिलों तक क्यों सीमित हुई जबकि पूरा प्रदेश उनका है। वैसे हरियाणा कांग्रेस में क्या कुछ चल रहा है वो किसी से कहां छुपा है, मगर अब ये अंदरूनी लड़ाई सार्वजनिक होने लगी है। चरखी दादरी से पुनीत श्योराण, पंजाब केसरी TV। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।